जय श्री कृष्णा श्री मद भागवत गीता अध्याय 6। इस अध्याय का नाम आत्मसंयम योग है। यहाँ इस अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि योग के प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित मन को अपने निर्धारित प्रशिक्षक साधक की बुद्धिमान इच्छा के अधीन आना सिखाया जाता है। आत्मचिंतन और आत्म प्रकटीकरण के उच्च उद्देश्यों के लिए मन एक बेहतर सुसज्जित उपकरण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवद गीता के अध्याय 6। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी और सुख दुहक आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा समेक प्रकार से ही स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशारहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे है, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित होगे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा ही जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाले का और यथायोग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योगयुक्त है ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायुरहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुहक से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग में उक्ताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भलीभांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे।
ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंदन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुःख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन इंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्रीमान भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योगकृष्ट पुरुष पुण्यवानों लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है, सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे गुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकौम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रेम पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकौम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन, तू योगी हो, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके बाद हम गीता का सातवां अध्याय पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।